घर जाने की खुशी है, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ पर थे, उनसे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ एक भाई हैं, कहाँ के हैं से आप? यूपी बिजनौर से हैं सर बिजनौर से। जी। आज जैसे सरकार ने कहा है कि आपको भेजने की व्यवस्था की जा रही है, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे जाकर के घर वालों से मिलेंगे, खुशी जी, हो रही है खुशी हो रही है। जी। कितने दिन से यहाँ रुके थे आप? सर यहाँ पे पिछले महीने की 28 तारीख से हम यहीं पर हैं जी, तकरीबन 1 महीना हो गया जी इसका। जी तो जी यहाँ पर जब आप रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल बढ़िया रखा जो है लोकल स्टाफ था, जी खाने जी पीने, बिल्कुल, खाने जो खाने किए पीने में उन्होंने, कोई नहाने दिक्कत नहीं धोने आई, में, नहाने धोने के लिए घर साबुन वाबुन संतुष्ट है अगर। जी जी आप जब यहाँ से जा रहे हैं तो क्या यादें लेके जाएंगे कुछ? याद तो आती है सर, जी, यादें कोई भी जगह हो, रहेंगी। जो जब यहाँ पे इतने दिन गुजारे तो ये तो यादगार रहेंगे ही बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। कहते हैं कि बिल्कुल यहाँ से यादें लेके जा रहे हैं, लेकिन घर जाने की खुशी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के सभी यहाँ पर बैठे हैं, और उनसे सभी से हम बारी बारी से बात करना चाहेंगे। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के जी। राजस्थान के। हाँ अभी टेस्ट हो रहा है तो भेजने की व्यवस्था की जा रही है, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस है जी, कोई दिक्कत नहीं है, खुश खुशी खुश हो रही हैं है, जी, हम खुश घर हैं जाने की बिल्कुल, खुशी है। घर जाने की पूरी खुशी है जी। जी, घर वालों से बात की होगी फोन पे, आपने उनको बताया कि हम आ अभी रहे नहीं हैं, बताया, अब मेडिकल होते ही बता देंगे आप। मेडिकल होते ही बता देंगे। वो भी उम्मीद कर रहे होंगे कि आप जल्द घर आए, क्योंकि सारी दुनिया जब अपनों के साथ है, तो आप लोग हैं जो अपनों से दूर कहीं है, तो एक अधूरापन सा परिवार में आप में भी आया रहा होगा। कैसे जब जैसे आप परिवार से अलग से दूर कुछ थे, लोग हमेशा आप के दूर थे, लिए। थोड़ा अकेलापन सा, उनको भी कमी सी खली होगी, आपको हाँ भी। जी जी, महसूस तो होता ही जी, घर से बाहर रहते हैं, बच्चों को ना हमको परेशान तो है ही, अब खुश है। अब खुश है एक जी। एक चीज और क्लियर कर दो, आप लोग इतने दिन यहाँ रुके हैं, हमारे साथ यहाँ आपको पर, फल फ्रूट यहाँ पर दूध जो खाना सेवाएं देते थे वो सब सज्जन भी हैं। आता है? सर क्या नाम है यशपाल आपका? देशवाल। यशपाल देशवाल जी, मैं आप यहाँ के? SDM ऑफिस से हूँ, रिटायर्ड कर्मचारी जी हूँ, जी उम्र मेरी लगभग 61 साल है। जी तो तो आपका आपका काम क्या था यहाँ पर? मेरा इनका फल फ्रूट देना, इनको सभी शाम मैनेजमेंट। शाम को दूध देना, जी इनसे पूछना किसी चीज की कोई कमी है वो जी बता बिल्कुल दो। बिल्कुल, हम बताना और चाहेंगे दर्शकों को, ये सारे यशपाल जो यशपाल जी जो बता हैं, काफी अच्छी व्यवस्था की थी इन्होंने। मैं पर्सनली भी इनसे कई बार मिल चुका हूँ, काफी अच्छा काम करते हैं। यशपाल जी, आप अच्छी व्यवस्था करते हैं, हम देख चुके हैं। कैसा लगता है जब इन लोगों के बीच आते हैं, सेवा करते हैं? मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से बचपन से सामाजिक सेवाएं करता हूं। 1990-91 से लेकर 2000 तक भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ था, और हर साल फ्री आई कैंप लगाया करते। उसके बाद कृष्ण कृपा परिवार से जुड़ा था, हम हर महीने राशन वितरण करते हैं, और इस तरह के जो काम होते हैं ना, वहाँ दिल से होते हैं, किसी के कहने से नहीं होते, अपने दिल से आदमी करता, और जो काम दिल से किया जाता है ना, वो कभी खराब नहीं होता। तो अब आप अपनी सर्विस कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं? यहाँ तो इस समय तो हम इनकी सेवा में जुटे हुए हैं, इनकी सेवा में जुटे हुए हैं, और इन लोगों से पूछना कि आप लोगों को कोई खाने में पीने में किसी प्रकार की व्यवस्था में दिक्कत आई हो तो मैं आपके सामने हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे यशपाल देशवाल जी, मेरे ही नाम राशि है, कहते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई कमी नहीं आने दी, और खूब तन्मयता से उन्होंने काम किया है यहाँ पर। और भी भाई हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर रिंकेश है, कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से। हाँ यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, घर जाने की रास्ते कहीं ना कहीं खुल रहे हैं आपके लिए, क्या कहेंगे? हाँ जी, हमको घर भेजा जाए और हम परेशान हैं, हमको 25 दिन हो गए। हाँ तो अब व्यवस्था की है सरकार ने, कहीं ना कहीं सरकार क्या मेडिकल की तो है। हो गया है, जी मेडिकल तो हो गया है, जी अब जाने को क्या है, क्या अब पता है। भेजने की बस बारी है हाँ कि वो हमारी आपको सरकार बस में से, बिठाए। हम राजस्थान सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमारे को बुलाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, और हमारी अपील है सरकार से, अगर योगी सरकार ने, यूपी की सरकार ने अगर तत्परता दिखाई है अपने अपने जनता को, अपने लोगों को, अपने मजदूरों को बुलाने के लिए अगर उन्होंने कोशिश की है, तो राजस्थान सरकार को भी अपील हरियाणा सरकार से करनी चाहिए। कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सरकारों के बीच का मामला है, तो सरकारों को दरिया दिल्ली दिखानी चाहिए। अगर राजस्थान सरकार भी नहीं व्यवस्था करती है, वो अपील नहीं करती है, तो हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आप बच नहीं सकते कि उस सरकार ने हमें नहीं कहा। देखिए, यहां मानवता की बात है, मानवता की बात है। अगर इनको घर जाने की व्यवस्था कर सकते हैं, 28 दिन, 28 दिन इनको यहां पर हुए हैं, ये व्यवस्था बहुत पहले हो जानी चाहिए थी।
कंचन टीवी हमेशा कहता रहा था कि इनकी व्यवस्था की जा सकती है तो कीजिए, लेकिन नहीं की जा रही थी। अब जब सरकारें जागी हैं, सरकार जागी है, तो क्यों ना हर एक को, सिर्फ 34 को ही नहीं, 40 के 40 लोगों को अपने अपने घर पे भेजने की व्यवस्था सरकार करे। सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, 28 दिन यहाँ पर रहे हैं, अब उनको घर जाने की है। एक और भाई है, कहाँ गए? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, अब आपका मेडिकल हो रहा है जी सर। क्या कैसे कैसे लग रहा है कि खुशी है घर जाने की? जी सर, खुशी है घर जाने की। अच्छा लग रहा है कि घर जाएंगे? जी अच्छा लग रहा है। कितने दिन यहाँ पर रहे हैं सर? हमें लगभग महीनावारी होने वाला है, महीना होने करीब वाला है। करीब जी सर। तो किस तरह का रहा यहाँ पर आपका जो अनुभव है, कैसा लगा आपने यहाँ पर रहे हैं, खाने को लेके, रहने को लेके, सोने से, नहाने से लेके, किस तरह की व्यवस्था रही है? जी सर, बहुत अच्छी व्यवस्था रही है जी, कुछ चीज की दिक्कत को नहीं आई, कुछ भी, सब कुछ अच्छा था जी सर। तो सब अच्छा था, तो कुछ यादें भी लेके जाएंगे यहाँ से? जी सर बिल्कुल, बहुत सी यादें हैं यहाँ से, यहाँ के जो भाई है, जो लोग सब यहाँ जो के कार्यकर्ता थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के लोग हैं, किस तरह के लगे? जी सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत किया जी सर। और हमसे जो भी दुआ होगी कि यही है उनके लिए, दुआएं निकलेंगी जी सर। मतलब अगर जिंदगी में कभी आप याद करेंगे इस बुरे वक्त को, तो तब क्या सफीदों का है साहस, सफीदों की यादें आपको थोड़ी बहुत खुशी देंगी? जी बिल्कुल सर, हम तो घर पे भी जाके सभी से यही बताएंगे जी सर बिल्कुल। मतलब आपके पास बताने को बहुत सारी कहानियां होंगी जी सर, बहुत कुछ है, इसीलिए तकरीबन आपका कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर जाएगा, हम ऐसे रहते थे, वो हमें ऐसे करते थे। कुछ एक लोग होंगे जो आपके जहन में हैं यहाँ के, उनका एक आध का नाम जो आपके दिलो दिमाग में रहेगा ताउम्र, कौन से वो नाम है? जी सर, वैसे तो ये सभी यूपी के भाई है, कुछ राजस्थान के भाई है, सभी मिलके रहते हैं यहाँ। वैसे यहाँ तो के स्टाफ की अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे मैनेज कर रहे थे, उनमें से किसी एक का नाम आपके जहन में है जिन्होंने जो आप बिल्कुल ही उत्कृष्ट कार्य किया, अच्छा कार्य किया हो? जी सर, यहाँ पे सभी है, वैसे तो यहाँ पे योगा वगैरह होती थी सभी, सुबह के टाइम बहुत अच्छा, लगभग 1-1.5 घंटा हमारा यूं ही गुजर जाता था। अच्छा। जी सर, तो क्या जो आपने योगा शुरू किया है, क्या जिंदगी में कंटिन्यू करेंगे आप इसको? जी सर बिल्कुल करेंगे, मैं तो पहले भी करता था घर पे, अब भी करेंगे, अब भी करेंगे सर। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज लेकर जा रहे हैं यहाँ से। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के। जी सर धन्यवाद। तो आपने देखा, एक भाई है जो कहते हैं कि यहाँ पर सकारात्मक चीजें उन्होंने सीखी, योगा को वो सीखते थे, और लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पे स्टाफ था काफी अच्छे से उनको मैनेज करते थे, काफी अच्छे से रहने खाने की व्यवस्था की गई है। एक और भाई है हमारे, उनसे जानते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, वो भाई है, वो शायद सुन नहीं पाते, ऐसा कहते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव सैनी। कहाँ से? करौंदी से। करौंदी जी। कौन सा स्टेट है? जी जिला अमरोहा। जिला अमरोहा, यूपी जी। तो अभी टेस्ट हो रहा है आपका, घर जा रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है साहब, हमें तो बहुत खुशी है जी। किसको धन्यवाद करना चाहेंगे इसके लिए? आप भाइयों, सब भाइयों को धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद के पात्र सरकार है, हरियाणा सरकार है, खट्टर सरकार है, आपकी योगी सरकार है, जिनके प्रयासों से ही आज आपको जाने के लिए व्यवस्था हुई है। बहुत अच्छा लगा। घर घर जाएंगे, घर वालों से क्या, सफीदों की क्या यादें लेके जाने वाले हैं? जी हम कहेंगे वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, और योग भी करवाया था हमको, हमने पहली बार करा यहाँ पे आए के, पहली बार जिंदगी में जी। अब कंटिन्यू करेंगे जिंदगी में दोबारा? जी हाँ जी बिल्कुल, इनकी यादें वहीं पे जी बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उससे आप ही को फायदा है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वाकई में लगेगा कि सफीदों से कुछ लेके जा रहे हैं, और सफीदों ने किसी एक का जीवन बदला तो हम भी अपने आप को धन्य समझेंगे। जी सर अच्छी बात, बहुत बहुत ठीक है, नमस्ते। तो यहाँ पर देख कहते हैं कि हम योगा को कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि मैं बात कर रहा था कुछ अच्छी चीजें लेकर, हमारे भाई हैं वो भी हमसे शायद बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कामिंदर। कामिंदर, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी संभल, जिला संभल। यूपी संभल से, सफीदों से जा रहे हैं जी। कहीं ना कहीं टीस रहेगी, सफीदों याद आएगा, जब यहाँ से यहाँ छोड़ेंगे सफीदों को, से दूर जा रहे होंगे तो कहीं याद करेंगे। हाँ जी खूब याद करेंगे, खूब याद करेंगे जी। खाना कैसा मिलता था? खाना सब बढ़िया मिलता था, दूध मिल जाता था, फ्रूट मिल जाता था, सब मिलता था, रोटियां पूरियां सब याद करेंगे। तो अच्छी यादें बताएंगे अपने गांव में, अपने घर वालों को, अपने अच्छी यादें बताएंगे, और अपनी औलादों पोते पोतों को भी अच्छी बातें बताएंगे, मतलब जिंदगी भर रहेगा। देखिए कितनी अच्छी बात है, एक कहते हैं कि जब आप कहीं पर कुछ वक्त के लिए रह जाते हैं, अगर आप कुछ टाइम रहते हैं,
और इन्होंने तो 28 दिन यहाँ पर बिताया है। 28 दिन के बाद जब ये जा रहे हैं तो एक परिवार बन चुका है इन सभी का। राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, हमारे हरियाणा का स्टाफ यहाँ पर था, पत्रकार जो है वो भी लगातार इनके बीच रहते थे, इनके साथ बातें करते थे। अच्छा लगता है क्योंकि अपनापन होता है जब आप एक ही इंसान से बार बार मिलते हैं, उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं तो अपनापन आ जाता है, और वही अपनापन लेकर शायद सभी यहाँ से जाने वाले हैं। ये हरि प्रकाश, हरि प्रकाश कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी संभल, संभल के। तो जब आप घर जा रहे हैं, घर कितनी खुशी आपको है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, 28 दिन हो गए। क्या लग रहा है कि जेल से छूट के अपनों से मिलने वाले? नहीं ऐसा नहीं, जेल तो नहीं पर जेल नहीं गए, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अपनों से मिलने की खुशी अलग ही होती है। हाँ जी वो तो अलग ही होती है, अलग ही होती है। कैसे इजहार करेंगे जब आप अपने घर वालों से मिलेंगे? कैसा कैसा रिएक्शन रहने वाला? मतलब सोचा होगा आपने, मैं माँ से मिलूंगा, पिताजी से मिलूंगा, अपने बच्चे से मिलूंगा। वो तो सबसे ही मिलना पड़ेगा। कैसे जब भारत माँ से जब मिलेंगे कैसा फील करेंगे? जी माता जी तो है ही नहीं, खत्म हो गए। पिताजी, पिताजी हैं, बड़े भाई हैं। बड़े भाई से मिलेंगे जी, वो तो सबसे ही मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। अच्छा लगेगा। चलो बहुत हम भी दुआ करेंगे कि आप सकुशल घर पहुंचे, क्योंकि घर वाले भी आपका लंबा इंतजार करें। एक बच्चा भी यहाँ पर है, सभी यहाँ पर बड़े थे, एक बच्चा हमें मिला है। मास्क आप लगाइएगा। क्या नाम है आपका? परवेज आलम। परवेज आलम, आलम कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी के, यूपी में कहाँ से? संभल। संभल के। तो संभल के कितने लोग हैं आप? हम यहाँ पर जी कितने लोग हैं? यहाँ पर 15 हैं। 15 लोग हैं। तो सभी संभल से हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं, इकट्ठे काम करते थे। हाँ जी। कहाँ काम कर रहे थे आप लोग? नरवाना। नरवाना, नरवाना से यहाँ पहुँचे थे आप लोग? पैदल चल के आए थे। कैसा लग रहा है आप घर जा रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। फोन पे बता दिया घर वालों के मैं आ रहा हूँ? बता दिया। बता दिया। क्या रिएक्शन था उनका? क्या 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 उन्होंने कहा आगे से? क्या आप आ रहे हो, हमें मत आओ। ऐसा कहा उन्होंने? मत आओ आलम। ऐसा नहीं बोले। किससे किससे बात की घर पे? सबसे बात होती है। माँ से बात हुई सर। क्या बोले माँ? माँ बोलती थी तुम्हारे बिना हमारा जी नहीं लगता। जी नहीं लग रहा। और तुम्हारा दिल लग जाता था माँ के बिना? नहीं लगता। मिस करते थे माँ को? माँ के अलावा और किसको मिस करते थे? सबको मिस करते हैं, सबको मिस, फैमिली को। 28 दिन में कभी आंखों में आंसू भी आए परिवार के लिए? आए। क्या क्या मिस किया कि दूर हूँ मैं? दूर हूँ और फिर घर अकेला हूँ। हाँ। आपके साथ ही तो थे ना? पापा हैं मेरे। पापा साथ थे आपके? पापा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा है आलम, परवेज आलम, कहता है कि हाँ मैं जब माँ को मैंने ये खुशखबरी दी कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा उनको अच्छा लगा। और यहाँ पर कहते हैं कि माँ की बड़ी याद आती थी, लेकिन अब खुशी की बात है कि कहते हैं कि अंत भला सो भला, तो यहाँ पर अब सभी अपने घर जा रहे हैं। भले ही थोड़ी सी देरी विलंब हुआ है, लेकिन विलंब को हम ये नहीं कह सकते कि जो गलत हुआ है, अब जो हुआ सो हुआ, अब ये घर जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, आप आलम के पिता हैं। क्या नाम है? कामिल। कामिल घर जा रहे हैं, ऑब्वियसली खुशी होगी। बहुत ज्यादा खुशी है, बेइंतहा खुशी है, इसका कोई खुशी का इजहार नहीं कर सकते। क्या किसी तरह की परेशानी थी यहाँ पर? ना परेशानी कुछ नहीं थी, बस यही समस्या थी यहाँ रुकने में, थोड़ा घर के आने के लिए स्थिति अच्छी लग रही थी कि घर जल्दी चले जाएं। चाहते थे कि ऐसे वक्त में जब सारा देश बंद है तो आप अपने की अपनों के बीच हो? अपनों के बीच जाना चाहते, लेकिन मजबूरी थी, जब मर्जी ऐसा देश में भाजा हुआ तो इसका तो लॉकडाउन का पालन करना ही पड़ेगा, मजबूरी थी। क्या काम करते हैं आलम? नेट हाउस बनाते हैं। नेट हाउस जी, पोली हाउस। तो सभी आपकी जो टीम थी वो नेट हाउस की टीम थी, तो यहाँ पर भी कुछ किया आपने जो खाली टाइम होता था? कुछ किया है? पार्क बारक में थोड़ी घास बास सफा करी थी, और क्या कोई काम नहीं था जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मीडिया मीडिया ने दिखाया था, आपने पार्क को अच्छे से सुंदर रूप दे दिया। बाकी योगा करे थे सुबह में, दोपहर में भी। क्या योगा को कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जिंदगी में, लगातार उसको करेंगे अपने घर पे या जहाँ भी आप? वो करेंगे, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, नुकसानदायक कोई चीज नहीं। यहीं पर आकर पता चला या पहले से करते? पहले से भी कराते थे मास्टर हमारे, कराते थे, बीच में कुछ काम की महत की वैसे मजदूर में नहीं कर पाए, लेकिन वो चीज का महत्व की चीज है, कोई नुकसानदायक चीज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए कामिल। धन्यवाद जी। तो आपने देखा कामिल है और उनका बेटा है आलम, वो कहते हैं कि हम अब घर जा रहे हैं तो खुशी है हमें, तो इसीलिए अब वो करते हैं, कहते हैं मैं दिखाना चाहूंगा अभी, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर हैं। और मैं अभी जो प्रशासन है यहाँ पर, डीएसपी है, एसएचओ है, और हमारे यहाँ जो बी और नरेश वर्मा है, उनसे बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं
अब पहुंच मैं बात करने वाला हूं प्रशासन से और बताने वाला हूं आप सभी को कि